स्टॉपिंग ब्रेस्टफीडिंग, मतलब ना सिर्फ बच्चे के लिए बहुत ही मेजर चेंज बल्कि एक मदर के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। तो इस हाउ टू स्टॉप ब्रेस्टफीडिंग सीरीज के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक बच्चे को मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ और कंफर्टेबिलिटी के साथ हम ब्रेस्टफीडिंग कराना बंद कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मदर की बॉडी में ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करने के बाद जो ब्रेस्ट में पेन आ जाता है, निपल्स में पेन आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करें, और प्लस जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मॉमीज, वेलकम टू इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड। प्रेगनेंसी, बेबी केयर और पेरेंटिंग रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन बेबीज अनबॉक्स को हमारे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। फ्रेंड्स, हाउ टू स्टॉप ब्रेस्टफीडिंग सीरीज के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को डे टाइम के ड्यूरेशन में किस तरीके से आप ब्रेस्टफीडिंग कराना छुड़वा सकती हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। कई बच्चों को कुछ दिन लगते हैं ब्रेस्टफीडिंग छोड़ने में, कुछ को कई हफ्ते लगते हैं और कुछ को महीने लग जाते हैं। तो एक ये एंटायर प्रोसेस है, ये कोई भी जल्दबाजी में करने वाला प्रोसेस या डिसीजन नहीं है। जब भी आप ये डिसीजन लें कि आप ब्रेस्टफीडिंग स्टॉप कर रही हैं, तो बेटर है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो साथ में डिस्कशन करें, और जब आपकी बहुत सारी छुट्टियां आ रही हो, लॉन्ग वीकेंड हो, तो उस टाइम पे इसको प्लान करें ताकि आपको, आपके बच्चे को, आपके पार्टनर को भी कंफर्टेबिलिटी हो। अगर आप एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं कि नहीं मैं आज से पूरे दिन भर फीड नहीं कराऊंगी, तो उससे मदर की बॉडी को भी नुकसान होता है, एज वेल एज बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक कंफर्टेबिलिटी लेवल पे होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और एकदम से उसका समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। सिमिलरली मदर की बॉडी को भी बहुत डिफिकल्टी होती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि एकदम से ये क्या हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एंगॉजमेंट, यानी जब ब्रेस्ट के अंदर मिल्क भर जाता है, ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, फिर पेन होने लगता है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वर्स्ट केसेस में वो मैस्टाइटिस में भी डेवलप हो सकता है। सिमिलरली जब ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क भर जाता है, तो उस टाइम पे निपल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को एकदम से बंद कर देंगे तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। तो इस ट्रांजिशन को आप स्लो रखें, ग्रेजुअल रखें। जितना ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करेगा ट्रांजिशन, उतना आपके लिए भी कम्फर्टेबल है और बच्चे के लिए भी कम्फर्टेबल रहेगा। 6 महीने से ऊपर का बच्चा जो है टिपिकली दिन में 4 से 5 बार ब्रेस्ट फीड करता है, और मेरी डॉटर भी 1 ईयर की थी तब तक वो 4 बार दिन में ब्रेस्ट फीड करती। तो दिन के टाइम की जो फीड्स है उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी वो है जैसे ही बच्चा सो के उठता है तो उस टाइम पे वो फीड लेता है और उसके बाद उठता है, एक कैटेगरी वो हो गई। उसी कैटेगरी में मैं उन फीड्स को डाल रही हूँ जिन फीड को लेकर बच्चा अपनी नैप लेता है, यानी दिन के टाइम में जब वो सोता है और उस टाइम वो फीड लेके सोता है। और थर्ड कैटेगरी वो हो गई कि इन बिटवीन मील्स या इन बिटवीन स्नैक्स के अंदर वो जो फीड ले रहा है, कुछ फीड्स ऐसे होते हैं जो वो कंफर्ट के लिए लेता है खाली, उसको उस टाइम हंगर नहीं होता है, तो उसको मैं थर्ड कैटेगरी में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अपनी फीड्स को आइडेंटिफाई करना है और इन कैटेगरीज के अंदर आपको डाल देना है, और आपको शुरुआत करनी है उन फीड से जो थर्ड कैटेगरी में फॉल करती है, ताकि आप बच्चे को इजीली ट्रांजिशन करा पाएं। तो आप चूज करें कोई एक फीड जो वो बिल्कुल कंफर्ट के लिए लेता है, उस टाइम पे उसको भूख नहीं लगी होती है। अब उस फीड को आप 2 तरीके से छुड़वा सकती हैं। पहला है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और दूसरा हो गया डिस्ट्रैक्शन मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि वाकई में उस टाइम के अंदर बच्चे को भूख लगी है, तो मान लीजिए कि मॉर्निंग में 10:30 पे अगर वो फीड ले रहा है जो कंफर्ट फीड है उसके लिए, तो आप अराउंड 10:15 पे उसको ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट, अगर 1 साल से ऊपर है तो काउ मिल्क और 1 साल से छोटे को फॉर्मूला मिल्क दे, और जब उसकी हंगर जो है उस टाइम पे सेटिस्फाइड रहेगी तो वो बिल्कुल भी उस टाइम पे डिमांड नहीं करेगा, और उस टाइम पीरियड को जो जिस टाइम वो डिमांड करता है आप उसे दूसरी एक्टिविटीज में उलझा के रखें। और अगर आपको ये लगता है कि उस टाइम पे बच्चे को भूख नहीं लगती है और बच्चा सिर्फ
बिल्कुल प्योर कंफर्ट के लिए कर रहा है, तो उस टाइम आप उसके साथ डिस्ट्रैक्शन मेथड, यानी डिस्ट्रैक्शन में हो गया कि आप बच्चे को कोई एक्टिविटीज कराएं, उसको किसी टॉयज में एंगेज करें, उसको या तो बाहर लेके जाएं, बालकनी में ले जाएं, या हो सकता है कि आपके घर में कोई और पर्सन है तो उस टाइम पे आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो हैंडल करें, उस टाइम पीरियड में वो उसको एंगेज करके रखें दूसरी एक्टिविटीज में, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करें, तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा उस टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली उस फीड को छोड़ देगा। तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएं, चाहे आप डिस्ट्रैक्शन मेथड अपनाएं, इस तरीके से आप 3 से 4 दिन तक लगातार उस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम को रिप्लेस कर दें। 3 से 4 दिन के अंदर उस फीड को आप कंप्लीटली छुड़वा लेंगे और इसके बाद आप मूव ऑन करें नेक्स्ट फीड पे। तो इस तरीके से जब आपकी सारी थर्ड कैटेगरी की फीडिंग यानी कंफर्ट वाली जो फीडिंग्स खत्म हो जाए, तो अब हम स्विच करेंगे अपनी सेकेंड कैटेगरी के ऊपर, यानी कि जिन फीड्स को लेकर बच्चा सोता है। अब इन फीड्स को भी हम 2 तरीके से छुड़वाने की कोशिश करेंगे, वही सेम सब्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रैक्शन मेथड से। अब आप क्या करें कि ब्रेस्ट मिल्क की जगह बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट दें, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो काउ मिल्क हो, अगर वो 1 साल से ऊपर का है तो। अब आप ब्रेस्ट मिल्क के सब्स्टिट्यूट को कैसे बच्चे को दें? अगर आप बॉटल फीडिंग कराना चाहते हैं बच्चे को, तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे WHO, चाहे अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो रिकमेंड नहीं करते हैं कि बच्चे को बॉटल फीडिंग कराया जाए। उनका रिकमेंडेशन यही होता है कि अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट देना है ब्रेस्ट मिल्क का, तो कप और स्पून से फीड कराया जाए। और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि 1 साल के बच्चे को आपको बॉटल से वीन ऑफ कर देना चाहिए, यानी बॉटल फीडिंग की आदत छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि अगर 18 महीने से पहले पहले उसकी आदत नहीं छूटती है तो ये प्रोलॉन्ग्ड चलती रहेगी और बच्चा बॉटल फीडिंग नहीं छोड़ेगा। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं पर्सनली हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको सब्स्टिट्यूट किसी और चीज़ से दूँ। अब चूँकि मेरे डॉटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा काउ मिल्क पीना, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई कि मैं उसको फैंसी इक्विपमेंट से फीड कराती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये फीडर यूज़ करती हूँ, ये बड़ा इजी रहता है। इस तरीके से आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मिल्क जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको लगता है कोई नई चीज़ है, तो उसे लगता है कि ये भी एक तरीके की एक्टिविटी है और वो एंजॉय करने लगती है। एक तरीका और है कि इस तरीके के सिपी कप्स आप यूज़ कर सकते हैं, कि सिपी कप्स से यूजुअली हम पानी पिलाते हैं, बट स्टिल कि उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो सके, तो मैंने सिपी कप से उसको मिल्क पिलाने का इंट्रोडक्शन किया। और दूसरी एक चीज़ मैंने ट्राई करी कि एक डेकोर पीस था रिलायंस स्मार्ट पे, तो मैं ये लेके आई, इट लुक्स लाइक अ कप, तो मैंने इसको यूज़ किया कि मैंने इसके अंदर मिल्क भरा और जस्ट मैंने उसको ऐसे फीड कराने की कोशिश की, तो उसको बहुत हैप्पीनेस हुई, उसको लगा पता नहीं वो क्या कर रही है, उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगी एक्टिविटी। तो इस तरीके से आपकी टोटली चॉइस है कि आप क्या अपनाना चाहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का सब्स्टिट्यूट किस तरीके से आप देना चाहते हैं। तो पहले मेथड में आप जो नैप टाइम है उसमें ब्रेस्ट मिल्क की जगह आप ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट दे और बच्चे की वो जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट ना पिए तो आप क्या करें, और उस टाइम उसको नींद भी आ रही होती है, उसको नैप लेना है, तो एकदम से रोना शुरू कर देता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उस ब्रेस्ट फीडिंग टाइम को कैसे छुड़वाएं? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें उसके रूटीन को ब्रेक करना है और हमें अपनाना है डिस्ट्रैक्शन मेथड। बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज़ को एसोसिएट करके रखते हैं। मान लीजिए आप उन्हें फीडिंग चेयर पे बिठाते हैं तो उन्हें पता होता है कि अब मुझे खाना खाना है, तो सिमिलरली उन्होंने एसोसिएट करके रखा होता है कि यहाँ पे मैं ब्रेस्ट फीड कर रहा हूँ तो ब्रेस्ट फीड करके मैं अब सोऊंगा। तो आप क्या करें, सबसे पहली चीज़ कि मान लीजिए जिस रूम में आप ब्रेस्ट फीड करा के उसको सुलाते हैं, आप रूम चेंज कर दीजिए और दूसरे रूम में ले जाके वो ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट दीजिए और उसको वहाँ पे फीड कराइए और सुलाने की कोशिश कीजिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा के कॉट पे सुलाते हैं या बेड पे सुलाते हैं, तो आप रिवर्स अपनाइए कि आप बच्चे को सब्स्टिट्यूट पिला के उसको बेड पे सुलाएं या फिर उसे कॉट पे सुलाएं, वाइसे वर्सा, जिस पे वो रूटीन में सोता आता है। तो ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया कि अगर आपके घर पे कोई मेंबर है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि उस टाइम पे जो सब्स्टिट्यूट है वो फीड कराएं और बच्चे को वो सुलाएं।
ऑल्टरनेटिवली आप बच्चे को सब्स्टिट्यूट पिलाकर उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए और फिर बच्चे को वो अपनी जो भी टेक्निक है उससे सुलाएंगे, तो बच्चे को लगेगा कि ये कुछ रूटीन में चेंज हो रहा है, ये नई एक्टिविटी है मेरे लिए, तो अब मुझे इस एक्टिविटी को इस टाइमिंग पे अब मेरी रूटीन में इनकलकेट करना है। थर्ड और लास्ट कैटेगरी है कि जो सुबह उठते ही बच्चा पीता है उसको कैसे छुड़ाया जाए। फ्रेंड्स, सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है क्योंकि बच्चे को हैबिट होती है कि बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड करके सो के उठ रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप एकदम से पिलाना छोड़ देंगे तो बच्चा एकदम से रोना शुरू कर देता है, और अगर बच्चा रोते हुए उठे तो उसका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी है बच्चे के साथ। मान लीजिए कि मॉर्निंग का रूटीन है, जैसा मैं अपना आपको बताती हूँ केस कि यूजुअली मॉर्निंग में मेरा ये रूटीन रहता है कि जैसे ही आराध्या उठती है तो उसके बाद हम घर के मंदिर में उसको लेके जाती हूँ मैं, और उसके बाद मैं उसे बालकनी में लेके जाती हूँ और थोड़ा सन से एक्सपोजर देती हूँ और प्लांट्स वांट्स से थोड़ा सा उसका इंट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद अंदर लेके आती हूँ मैं। तो इस रूटीन को हमने ब्रेक किया और जैसे ही मॉर्निंग में आराध्या उठती है तो हमने क्या किया कि उसका सराउंडिंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। जैसे वो मॉर्निंग में 6 o'clock फीड लेती थी और उसके बाद वो 8 o'clock उठती थी, तो हमने क्या किया कि 6 o'clock जब वो फीड लेती थी उसके बाद हमने उसका रूम चेंज कर दिया, उसको मैंने दूसरे प्लेस पे सुला दिया। तो जैसे ही बच्चा दूसरे प्लेस पे सो के उठता है तो फर्स्ट थिंग वो देखता है कि ओके मेरी सराउंडिंग्स चेंज है, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा, जो ये एक्टिविटीज़ मेरे साथ होती थी उसकी एक्टिविटीज़ अभी उसके फादर के साथ होने लगी। अब मोहनीश उसको हैंडल करने लगे और मॉर्निंग में ये सारी एक्टिविटीज़ अब वो कराने लगे, तो अब उसके माइंड में ये चीज़ सेट होने लगी कि अब मेरा रूटीन चेंज हो गया और अब मेरा रूटीन इस ट्रैक पे चलेगा। तो इस तरीके से उसके एक रूटीन में हमने चेंज किया और उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया वहाँ से, जिसकी वजह से सो के उठते जो उसके ब्रेस्ट फीड लेने की आदत है उसको हमने कट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से आप जो भी उसका रूटीन है वेकिंग अप का, उसको आप ब्रेक करें, या तो आप उसके वेकिंग अप का प्लेस चेंज करें, या फिर जो एसोसिएशन है उसका कि मेरे उठने के बाद ये एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप कम्प्लीटली चेंज करें। जो एक्टिविटीज़ आपके बेबी को पसंद है वो एक्टिविटीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर दें उसके उठने के साथ ही, जिससे वो एसोसिएट कर सके कि मेरे उठने पे अब ये एक्टिविटीज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कैटेगरीज में डिवाइड करके सक्सेसफुली दिन के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा सकते हैं। दिन के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना कंपेरेटिवली ईजी होता है बिकॉज आप ईजिली बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ में, या जो आपके घर के मेम्बर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व करके, या अपने पार्टनर की हेल्प लेके आप उनके साथ बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपको घर पे मोस्टली एडवाइस मिलेगी कि नीम के पत्तों का पेस्ट लगा लो निपल्स के ऊपर, या फिर आप नीम का तेल लगा लो और बच्चा जैसे ही पिएगा तो फिर उसको कड़वा लगेगा तो वो पीना ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस फैलाना चाहूँगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसको पढ़ के मेरे जो है एकदम गूज़बम्स आ गए और शायद आपको भी सुन के आ जाए। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए उन्होंने नीम का तेल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बच्चे को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में एडमिट करना पड़ा और 6 दिन तक वो बच्चा जूझता रहा अपनी लाइफ के लिए, और 6 दिन के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और ये छोटी सी अवेयरनेस ना होने के कारण उस माँ बाप पे क्या बीती होगी, उस बच्चे को 6 दिन तक कितना कुछ झेलना पड़ा होगा, ये तो मेरी मतलब इट इज़ बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। प्लीज़ किसी भी ऐसे जो आपको सलाह मिले उसको ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें कि पत्ते या नीम के पत्तों से जो ऑयल निकलता है वो इन्फेंट्स के अंदर वॉमिटिंग डायरिया और जो उनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है यानी जो हमारे माउथ से लेके जो स्टमक तक जो हमारी फूड पाइप जाती है और जो पूरा एंटायर सिस्टम है डाइजेशन का वो उनका बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उस चीज़ को अच्छे से वो डाइजेस्ट कर सकें, जिसके कारण उनको ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरीके की टेक्निक्स ना अपनाएं। मुझे इनफैक्ट ये भी सलाह मिली थी कि करेले का जूस लगा लो तो, या करेले के छिलकों को घिस के लगा लो, तो आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। मतलब बच्चों के साथ आपको चांस लेना ही नहीं चाहिए। जब आपको एक न्यूज़ आपको पढ़ने को मिल रही है कि ऐसा भी होता है तो इट इज़ बेटर टू टेक अ स्टेप बैक एंड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। और इसीलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन डिस्ट्रैक्शन और रूटीन ब्रेक
ऐसे मैंने अपनाया तरीका और मैंने सक्सेसफुली विद इन 10 to 15 days दिन के टाइम की ब्रेस्ट फीडिंग को मैंने स्टॉप करा दिया और बहुत हैप्पीली बहुत कंफर्टेबली ये हुआ। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई फ्रेंड्स कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो। दिन के टाइम में मेरे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने इन तीन मेथड्स के साथ बहुत अच्छे से अप्रोच मेरी जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में गई और बहुत ईजीली मैंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा दिया। बच्चे की जो है वो हैबिट बन चुकी होती है, एक रूटीन उनका बन गया है ब्रेस्ट फीड करने का, तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है बच्चे को भी और एक मदर को भी। लेकिन आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर आप मेरे बताए हुए मेथड्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा पाएंगे। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि नाइट टाइम के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाया जाए और क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए कि बच्चा भी कम्फर्टेबल रहे और आप भी कम्फर्टेबल रहें। आज का ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक बटन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें और अगर आप चाहते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना तो हमारे चैनल को नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स हम आपसे मिलते रहेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।